आप सबके अपने चैनल है अरहान एंटरटेनमेंट, मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके ट्रेलर फाइनली आ चुका है, और इस ट्रेलर के बारे में मुझे नहीं पता था, ये मेरी वाइफ ने कहा था, और ये मेरी स्पेशल मैं अपनी वाइफ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उनकी डिमांड थी कि यार इस ट्रेलर को रिव्यू किया जाए, इस ट्रेलर के बारे में हमको बताओ कि इस मूवी हमें क्या अलग देखने को मिलेगा। तो जब मैंने ट्रेलर देखा तो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस ट्रेलर का जो जॉनर है यानी कि मिस्टीरियस कहानी, मर्डर मिस्टरी, और जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड, जैसे मेकर बोल रहे कि सच्ची घटनाओं पर बनाई गई फिल्म है, तो ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। और आप लोगों को पता होगा बॉलीवुड में इससे भी पहले रमन राघव फॉर एग्जांपल या बैरट फैमिली ऐसी फिल्में बनी है जो टू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, तो यार ये सब फिल्में देखकर कुछ अलग और कुछ हटके देखने को मिलता है। और सबसे पहली बात ये समझ में आता है कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जिसके बारे में हमको पता तक नहीं है, भनक तक नहीं है, और वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कुछ उसी तरीके की ये मूवी भी होने वाली है, तो इसी मूवी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस करना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस ट्रेलर देखकर समझ में आया स्टोरी होने वाली कि एक मेंटल डिस्टर्ब लेडी है यानी कि माही गिल, जो दिमागी तौर पर थोड़ी पागल है, और उसकी दो बेटियां है रागिनी खन्ना और शयानी गुप्ता। तो बचपन से ही वो दोनों अपने दोनों बच्चों को काफी क्राइम्स करवाती, काफी कुछ मर्डर करवाती है, और वो बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और उसका यानी कि उन बच्चों को सजा मिलती है जब वो बच्चे बड़े होते हैं, तो वो सब क्राइम्स की उनको सजा मिलती है, और सजा मिलने के बाद क्या कुछ होता है ये सब हमें इस मूवी में बताया जाएगा। उसके अलावा जो उन लोग ने इतने सारे मर्डर्स किए, वो मर्डर करने की वजह क्या थी, और क्यों हमें ट्रेलर में माही गिल जेल में नजर आती है, ये सब कुछ जानने के लिए हमको 21 अगस्त तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 21 अगस्त को ये मूवी फाइनली रिलीज होने वाली है, तो ये सब कुछ पता चलेगा। तो ये तो रही बात की बात, अब मैं बात करूंगा कि इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया। इस मूवी को डायरेक्ट किया सुमन मुखोपाध्याय ने, जो कि नेशनल अवार्ड विनर रह चुकी है, और जो इसका टाइटल है पोषम्पा। पोषम्पा का मतलब क्या है? पोषम्पा का मतलब बेसिकली ये है कि जब बच्चे लोग खेलते हैं तो खेलते टाइम पे जो पोयम या सॉन्ग गुनगुनाते उसे कहते हैं पोषम्पा। फॉर एग्जाम्पल लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, इस पोयम को सुना होगा, या तो फिर रिंगा रिंगा रोज इज पॉकेट फुल ऑफ रोज़, तो वो सब चीजों को आप कह सकते हैं पोषम्पा। अब उसके अलावा मैं आप बात करना चाहता हूँ इसकी लीड एक्ट्रेस के बारे में। इसमें हमें माही गिल, शयानी गुप्ता और रागिनी खन्ना नजर आने वाली है। एक फॉर एग्जाम्पल एक इंटरव्यू में शयानी गुप्ता ने कहा था कि उसको ये रोल के लिए काफी परेशानियां, काफी कठिनाई हुई थी, क्योंकि जिस तरीके का किरदार वो निभा रही है वो रियल लाइफ में काफी मर्डर्स और काफी उसकी डिप्रेसिंग स्टोरी है, तो वो उस किरदार में ढलने के लिए उसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। उसके अलावा हमें अगर माही गिल की बात करो तो माही गिल नेवर, मतलब आप लोगों ने इससे पहले माही गिल को इस तरीके के किरदार में कभी नहीं देखा, क्योंकि वो काफी सेंसुअल और बोल्ड किरदार निभाती है फिल्मों में। फॉर एग्जांपल आपने उनकी फेमस फिल्में देखी होगी साहेब बीवी और गैंगस्टर का फ्रेंचाइज, तो फ्रेंचाइज में देखे ना उन्होंने किस तरीके से काम किया, तो इस मूवी में हमें बहुत ही अलग वे में नजर आती है। मैं कहूंगा महाराष्ट्रियन लेडी जो टिपिकल ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, नोज क्या बोलते हैं नोज रिंग जो भी बोलते हैं वो पहनती है, तो यानी कि जैसे महाराष्ट्रीयन लेडी होती है बिल्कुल उसी गेटअप में वो नजर आ रही है, और काफी अलग हटके हमें देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि माही गिल को मैंने इससे पहले इस तरीके के रोल में कभी नहीं देखा था, और माही गिल यहाँ पे दो बच्चों की माँ का रोल प्ले कर रही है, और उनकी बेटी का रोल प्ले कर शयानी गुप्ता और रागिनी खन्ना। तो यू तो शयानी गुप्ता के बारे में तो आपको बता दें कि वो ट्रेलर देखकर काफी फाड़ू लग रही है, और उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मुझे उनका ही लग रहा है ट्रेलर देखकर। तो और रागिनी खन्ना की बात करो तो रागिनी खन्ना इससे पहले सीरियल्स में हमें नजर आ चुकी है, ससुराल गेंदा फूल काफी फेमस सीरियल था, और वो भी काफी अच्छी एक्ट्रेस है, तो देखना है कि इस बार ये तीनों मिलकर क्या कुछ अलग करेंगे। वैसे इस मूवी को हमें 3 अलग अलग सेगमेंट में बताई जाएगी। इस मूवी में बहुत कुछ अलग अलग ऐसे ऐसी आप लोगों ने इससे पहले इतनी रोचक कहानियां नहीं सुनी होगी जो हमें इस मूवी में देखने मिलेगा, जो इन्होंने ऐसे ऐसे मर्डर्स किए और वो मर्डर्स के पीछे की क्या वजह थी वो सुनकर हम सबके होश उड़ने वाले। तो अब देखना कि मेकर्स का ये कहना कितना सच है। तो 5 दिन का तो बेसिकली ये मूवी मैं जरूर देखूंगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी देखिए। और इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो ये हमारे चैनल अरहान को सब्सक्राइब करना, जो साथी बैठे को उसे प्रेस कर देना। तो मैं आपसे कल किसी नए वीडियो का टिल देन।